नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने मेरे कल के टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया होगा और एक बार जरूर बुक में से रीडिंग भी कर ली होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, ठीक है? तो एक बार हम फटाफट से अपने लास्ट टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फोर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, की प्लांट्स अपना खाना किस तरीके से लेते हैं डिटेल के अंदर, ठीक है? तो पहला इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट्स पर डिपेंड होते हैं। तो इसके अंदर पहला क्या था, हमने फिगर में देखा था क्या, लीव्स कैसी लग रही थी, पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर। किसकी तरह? पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर। उसके टॉप पार्ट को हमने क्या बोला था, लेड। टॉप पार्ट को क्या बोला था, लेड। तो उसमें क्या था, उस प्लांट का माउथ क्या था, ऊपर की तरफ ओपन था। तो उसकी मदद से क्या हो रहे थे, सारे इंसेक्ट्स को क्या कर रहा था, ट्रैप। क्या कर रहा था, ट्रैप। जैसे ही उसके अंदर इंसेक्ट्स जा रहे थे तो वो क्या कर रहा था, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट कर रहा था, उसी की मदद से वो अपनी न्यूट्रिशन को ले रहा था। सेकेंड टाइप पे चलते हैं, क्या था, पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स में क्या था, दो चीजें, एक होस्ट और एक पैरासाइट। एक होस्ट और एक पैरासाइट। तो होस्ट कौन होता है, जो डिपेंडेंट होता है, जो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। और पैरासाइट क्या होता है, जिस पर डिपेंड होता है। पैरासाइट का काम क्या होता है, वो फूड प्रोवाइड करता है, और जो होस्ट होता है वो फूड उस प्लांट से लेता है, ठीक है। थर्ड टाइप पे चलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स में क्या पड़ा था, एक ब्रैडली, उसको 3 से 4 दिन के लिए रखा, उस पर बैक्टीरियाज लग गए। बैक्टीरियाज लगने के बाद क्या हुआ, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट हुआ। डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होने के बाद उसने क्या करा, मैटर को सोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। मैटर क्या, जो हमारी ब्रेड थी, उसको क्या करा, सोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। उसी सोल्यूशन की मदद से प्लांट्स ने अपने न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। ये बात हो गई हमारी थर्ड टाइप की, सेप्रोट्रॉफ। अब हम फोर्थ टाइप की बात करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें हमने बात करी थी, एग्जाम्पल यह था एल्गा और फंगस की। एल्गा क्या कर रहा था, फूड प्रोवाइड कर रहा था, किसको, फंगस को। फंगस क्या कर रही थी, मिनरल वाटर और शेल्टर प्रोवाइड कर रही थी, किसको, एल्गा को, ठीक है। तो एक प्लांट दूसरे प्लांट की मदद कर रहा था और दूसरा प्लांट पहले प्लांट की मदद कर रहा था। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू बढ़ते हैं, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो इसके बाद हम अपने चैप्टर को एंड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल, रिप्लेनिश का मतलब फिलअप होना। अब हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिएंट्स कहां से लेते हैं, सॉइल में से। कहां से लेते हैं, सॉइल में से। तो जब वो अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि सॉइल के पास न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, सॉइल के पास न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम, जैसे हमने पढ़ा होगा कि फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का यूज करते हैं, ताकि हमारी सॉइल क्या बनी रहे, फर्टाइल बनी रहे। तो यही होता है, हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स ऐड करते हैं ऊपर से, ताकि जो प्लांट्स हैं उनको क्या मिलते रहे, न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स की कमी प्लांट्स को ना हो। तो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। अब हमने देखा होगा कि प्लांट्स को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो ये उन्हीं न्यूट्रिएंट्स के नाम है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा, और बहुत सारे, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम इज प्रेजेंट इन द सॉइल। अब सॉइल में क्या होता है, राइजोबियम, जो क्या करता है, इन्हीं सारे न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करके कहां तक पहुंचाता है, प्लांट्स तक पहुंचाता है, ठीक है। और ये जो राइजोबियम होता है ये कहां पर होता है, प्रेजेंट इन द रूट्स। कहां पर होता है, रूट्स, ये रूट्स में प्रेजेंट होता है, कौन, राइजोबियम, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करके प्लांट्स तक पहुंचाता है। रिप्लेनिश का मतलब हमने पढ़ा फिलअप करना, न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से फिलअप करते हैं ताकि प्लांट्स को न्यूट्रिशन की कमी ना हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना सही था। तो आज हमने अपना पूरा फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कवर अप कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है, तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।